25 सितंबर, शुभ शनिवार, शनिचरिया, जो पुराना शब्द है भगवान बुद्ध के समय से भी पहले का। वैशाली के बज्जी लोग जब आपस में सम्मेलन करते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसको कहते थे पाली में शनिपात बाहुल। शनिपात बाहुल से ही शब्द का विकास हुआ और वो शनिपात से शनिचरिया हो गया। जैसे दिनचर्या होता है वैसे ही शनिचरिया, यानी मिलने की चर्या, सम्मेलन की चर्या। और यही शनिचरिया बाद में जाके शनिचरिया हो गया और शनिचर हो गया। और फिर इसको हमारे मिलने के दिन को मनहूस शनिचर कर दिया कि शनिचर महुनुस होता है। इसी शनिचर के दिन, इसी शनिवार के दिन शनिपात बाहुल हुआ दिल्ली में 25 सितंबर को, विदा पीपल के तहत में, विदा पीपल का पहला शुभ शनिवार। लगभग 200 के करीब साधारण और अति साधारण लोग आपस में इकट्ठे हुए इस संकल्प के साथ कि हम विदा पीपल हैं और हम पूरे भारत को जोड़ेंगे और जुड़ेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे और विश्व में फिर ताकत बनाएंगे, जैसे सम्राट अशोक ने पूरा देश जोड़ा था। और पूरा देश सबसे ज़्यादा ताकतवर था, हमारी 12 यूनिवर्सिटियाँ थीं और हमारा 26% पूरी दुनिया का GDP, यानी हम उत्पादन करते थे, हम ही किसान थे, हम ही मजदूर थे, हम ही व्यापारी थे और हम ही राजा थे। उस संप्रभुता के जो नियम संविधान में दिया है उसको साकार करने के लिए इस पूरे शनिपात बाहुल यानी शनिचर्या की संगति की सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ संघ के नियम के तहत में कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। सारे के सारे जितने भी साधारण लोग थे सब अपने अपने घर से पराठा और अचार लेकर आए और उन्होंने सबने मिलकर खाया, आपस में बात हुई। और जो जगह का चुनाव किया गया, जैसा कि पहले होता था जब बुद्ध जंगल साफ करके बिहार बनाते थे, वैसा ही जगह हमने यहाँ फ्री की ली है, क्योंकि विदा पीपल कहता है कि जहाँ भी हमारा समण व्यक्ति बैठा है वो जगह हमारी है और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने समण समाज के लोगों के लिए, अपने समण समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए। इस सम्मेलन की और भी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, आप ये पूरा वीडियो देखें और ख़ास तौर से जो पराठा और जो अचार का नियम है वो ज़रूर देखें कि वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। धन्यवाद। अचार की बहुत अच्छी विधि विधि खुशबू हम महसूस कर रहे हैं और पराठे जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे पराठे की खुशबू, देसी घी की खुशबू लग रहा है। Thank you.
का ही वो वैसा है ना, ये लो रोटियां ये लो पराठों के बीच में भी लगा भाषा में विदेशी का शब्द नहीं है, यानी शब्द नहीं है, मतलब कोई पता अगर किसी दूसरे देश से आता है, दूसरे देश से आता है तो उसका कुछ शब्द होना चाहिए ना, तो पुरानी पाली भाषा में शब्द ही नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, बाहर से आए लोगों को कुछ तो कहते होंगे, उनका नाम होगा पुरानी भाषा का, जो बाहर से आएगा वो क्या कहेंगे। तो जब बाहर से लोग आए तब पढ़ा, वो पढ़ा है बम आने विपरीत, बम बम करते ना, बमन आ रही है, बम आ रही है उल्टिया, तो बमन हो गए तो विपरीत, तो सब जो लोग हैं वो उधर के लोग हैं, जो क्षमता वाले हैं। तब नाम पढ़ा जब बाहर के लोग आए तो उनको हम बमन कह रहे थे। जो पानी की सेना है वो पानी वाले से लड़ेगी, जिसको नेवी बोलते हैं। जो थल सेना है जमीन वाली, वो जमीन से लड़ेगी। जो आकाश की सेना है आकाश से लड़ेगी। और जो व्यक्ति है कहीं अगर वो प्रताड़ित है तो व्यक्ति से लड़ेगा। और सरकारी दफ्तर में अगर सरकारी लोग तो सरकारी संघ बना के लड़ेगा, तो संगठन से संगठन लड़ेगा। ठीक बात है ना, तो भाई संघ से कौन लड़ेगा, संघ से संगठन तो लड़ नहीं सकता, तो संघ हो गए, संघ ही लड़ेगा। हम इसलिए हारे क्योंकि हम नाम लेते हैं संघ से लड़ना है, तो बना जा बैठे हैं संगठन, तो आप जिंदगी में नहीं जीत सकते। तो आपका तो संघ ही था पहले, जो संघ आपको बुद्धने बना के दिया, जो बुद्ध से पहले था, बुद्ध से पहले भी था, यानी ये कहो कि बुद्ध ने बना के दिया गलत बात है, क्योंकि जो बची लोग हैं वो बुद्ध से पहले हैं, बुद्ध जिसमें पैदा हुए वहां भी सांख्य संघ होता, तो संघ तो है वहां, वो गणराज्य संघ है, वही संघ के लिए बुद्ध ने बहुत बढ़िया बना के दिए, वही हमने उठा लिए, और जो हमें बाबा साहब ने संविधान में दिए वही हमने बना दिए। तो संघ का मालिक कौन, तो बुद्ध कहते हैं संघ का मालिक संघ ही होता है, संघ का मालिक नेता नहीं होता। तो संगठन का मालिक कौन होता है, भाई संगठन का मालिक जो होता है वो मनुस्मृति में लिखा होगा। मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति कहती है एक तो राजा होगा, क्योंकि मनुस्मृति राजप्रधान का जन, एक राजा होगा तो एक उसका मंत्री होगा महाम, तो एक उसका खजांची होगा जो उसका पैसे का मंत्री है, तो उसके कुछ चापूस मंत्री होंगे, और बाकी प्रजा क्या होगी, भाई प्रजा तो सिर्फ देखते हैं दुख देगी लगान देगी, और प्रजा की कोई नहीं सुन जाएगी, क्योंकि प्रजा की बहुत थोड़ी है उसमें, प्रजा को राजा थोड़ी चुनती है, राजा तो जो राजा रानी उसके पेट से आता है, तो वो सिस्टम सारे संगठनों में चलता है। ऐसे ही आगे ले जाते हैं।
वी द पीपल, हम भारत के लोग, जितने पराठे, जितने परौठी, जितने परामठे आपने खाने हैं उतने अपने साथ लेके आएं, और दो पराठे या परौठी या पराठा या परामठे एक्स्ट्रा लेके आएं, फालतू लेके आएं, अपनी भूख से ज़्यादा, अपनी खुराक से ज़्यादा। और सिर्फ अचार लाएं, कोई सब्जी ना लाएं, अचार किसी भी तरह का ले आएं। ऐसा नियम बना वी द पीपल में, जब भी लोग इकट्ठे होंगे आधे दिन से ज़्यादा के लिए, या जब उन्हें खाने की आवश्यकता बीच में होगी या रात के खाने की आवश्यकता होगी, तो वो अपने घर से ये खाने का सामान लेके आएंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आया और उन्होंने पूछे भी कि खाली पराठे ही क्यों और खाली अचार ही क्यों, और खाना क्यों मंगाते हैं, हलवाई से क्यों नहीं बनवा लेते हैं, या पैसा क्यों नहीं ले लेते हैं खाने का, ताकि खाना सबको वहाँ मिल जाए। इसके पीछे बहुत साधारण सी बात है, मगर बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक बार मैं एक सभा में गया, वो सभा जो संसद भवन है उसके पास में एक जेम्स फोर्ड क्लब है, वहाँ सभा हो रही थी, राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ जो वो सज्जन थे वो किसी संस्था के मालिक थे, प्रधान थे यानी मालिक थे, और उन्होंने वहाँ बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था, उनमें हम भी थे। वो अपने हाथ से वहाँ सबको रिक्वेस्ट कर प्लेट में बढ़िया सजा हुआ खाना दे रहे थे। पहले हाफ में बातचीत हुई, फिर खाना हुआ। दूसरे हाफ में वहाँ बातचीत हुई तो वो कहने लगे कि हमको एक संगठन बनाना चाहिए और इसका प्रेसिडेंट कौन होगा। अब जाहिर सी बात है, सब चुप हो गए, क्योंकि जिसने रोटी खिलाई है, जिसका खाना खाया है, उसकी मुखालफत कैसे करें, और उसमें कैलिवर है या नहीं है उसको कैसे बताएं, और जो उससे अच्छा व्यक्ति वहाँ मौजूद है उस समूह का नेता बनने के लिए, उसको कैसे रिकमेंड करें, कैसे कहें, और वो जो अच्छा व्यक्ति है, जो उससे अच्छा है, वो अपने मुँह से कैसे कहे। तो सभा में सन्नाटा छा गया। तब मैंने ये कहा कि भाई सज्जन महोदय, जिन्होंने खाना खिलाया है, ये खाना हमने खा लिया, आपका धन्यवाद है। अगली बार जब आप सभा लगाएं तो जितने का खाना हो उसके पैसे हमसे ले लें। उससे फ़ायदा यह है कि हम जिसका खाना नहीं खाते हैं, फिर हम उसके सामने अपनी आंखें नहीं ले जाते हैं, झुकाते नहीं हैं, हमारी जो निगाहें वो नीची नहीं रहती हैं, तो हम एक सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिर हम दबाव में नहीं रहते। क्योंकि जिसकी रोटी खाएंगे उसकी हमें वफादारी करनी पड़ेगी, उसकी निगाह नीची हो जाती है तो सही जजमेंट, सही बात नहीं आती, तो समाज का नुकसान होता है। दूसरी घटना है प्रेरणा स्थल की। दिल्ली के अंदर एक प्रेरणा स्थल है, नोएडा के अंदर। वहाँ ठंड के दिनों में 26 जनवरी को छुट्टी होती है, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम परिवार के साथ वहाँ इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग वहाँ आ गए, कुछ लोग खाना लेके नहीं आए और बाकी लोग खाना लेके आए। वहाँ गाना बजाना हुआ, मनोरंजन हुआ, सब हुआ। उसके बाद में वहाँ अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बन गए जब खाना खाने लगे। तो किसी के पास में, जिसके पास पैसा था या जो अच्छा पैसा खर्च करता है, तो बहुत अच्छे उसके संसाधन थे, बहुत अच्छे अच्छे उसके डब्बे थे, मिठाइयाँ लेके आया, कोई तो बिरयानी लेके आया, कोई मटन लेके आया, कोई बेचारा साधारण खाना लेके आया। तो वहाँ खाने को देखकर ऐसा लगा कि जैसे खाने में ऊंच नीच हो गई, यानी खाने के अंदर कैटेगरी हो गई, लेबल हो गए, खाने के अंदर जाति की तरह विभाजन हो गया। और जो लोग खाना लेके नहीं आए थे वो कहाँ जाएं, तो वो बेचारे इधर उधर घूम रहे थे, किसी ने बुला लिया, थोड़ा बहुत दे दिया, तो वो मतलब शर्म के मारे उनके पास बैठ भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो खाना लेके आए नहीं। तो एक तरह से वहाँ अलीसा स्टेटस वाला सिस्टम हो गया। और जो कार्यक्रम इसलिए लगाया था कि परिवार एक साथ इकट्ठे हों, वहाँ मन में इकट्ठे होने की बजाय वो और बिखर गए, क्योंकि किसी का संसाधन बहुत अच्छा, किसी का खाना बहुत अच्छा, किसी की बात बहुत अच्छी। तब वो नियम समझ में आया जो बुद्ध ने बनाया था। बुद्ध का नियम ये था कि भिक्कू संघ में सारा खाना इकट्ठा होता था और वो सारा खाना मैश होता था। मैश का मतलब उसको मिक्स करते थे और फिर वो उस मिक्स हुए एक से खाने में, एक से स्वाद में सबको खाना खाते थे और सारे लोग खाना खाते थे। तो ये बात तय हुई कि भाई खाना एक सा होना चाहिए और खाना उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरी है।
तो खाने में एक समस्या ये है कि जब हम पैसा लेते हैं किसी से तो पैसे में इंतजाम करना पड़ता है, हलवाई लगाना पड़ता है, वो खाना बहुत महंगा पड़ता है और वो खाना बहुत हैवी खाना होता है, पूड़ी है, सब्जी है, इस तरह का खाना बनता है, या हलवाई चावल वगैरह बनाता है तो बहुत तेल घी डाल के, फिर उस व्यवस्था में चार आदमी घिर जाते हैं। उस व्यवस्था के लिए जगह चाहिए, उस व्यवस्था में चार आदमी चार दिन पहले से लगते हैं, पैसा इकट्ठा करने का काम वो अलग है, पैसे की गड़बड़ हो जाए उसमें अलग है, उसका हिसाब किताब हो जाए गलत तो गड़बड़ है, तो संघ का टूटना निश्चित होता है, तो उससे बच गए। तो यानी कि हमको सिर्फ चार पराठे तो खाने हैं, कोई आदमी बहुत ज़्यादा लग्जीरियस खाना खाता हो, जिसको बहुत बढ़िया खाने की आदत पड़ी हो और जो रसमलाई रसगुल्ले खाता हो तो एक दिन के लिए छोड़ दे। तो सब्जी हम इसलिए नहीं मंगाते क्योंकि सब्जी अगर लेके आएंगे सब अपनी अपनी तो सब्जी को मिक्स कैसे करेंगे, कहाँ मिक्स करेंगे, कौन सी कटोरी में रख के खाएंगे, कैसे खाएंगे, परेशानी हो जाएगी। किसी की सब्जी कैसी है तो सब्जी मिक्स करने में स्वाद भी खराब हो सकता है। अचार ममून एक से होते हैं, तेल में होते हैं या पानी में होते हैं, वो मिक्स किए जा सकते हैं। अचार तुरंत मिलाने पर ख़राब नहीं होता क्योंकि अचार तो महीनों महीनों रहता है। तो सारे पराठे एक साथ रहेंगे, आपको जैसे खाने वैसे बना के लाइए तो आपको आपका पराठा नहीं मिलेगा, पराठे मिक्स हो जाएंगे। फिर जिसको जितनी भूख है वो पराठे ले ले और उसमें से खा ले। तो जो व्यक्ति बिना पराठे के या बिना खाने के वहाँ आएंगे आ सकते हैं, क्योंकि किसी को जानकारी ना हो, कोई अचानक आ जाए, कोई रास्ते से आ जाए, खाना ना हो, तो उस व्यक्ति को ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई आप खाना खा लो, क्योंकि वो जब खाना एक साथ इकट्ठा होगा तो उसका भी राइट होगा। तो दो पराठे जो आप एक्स्ट्रा लाओगे वो उन व्यक्तियों के लिए हैं जो अपना खाना लाना भूल गए या नहीं ला पाए, तो वो आपसे नहीं मांगेंगे, फिर वो संघ का खाना हो जाएगा, वो कम्युनिटी का खाना हो जाएगा, वो मोहल्ले का खाना हो जाएगा, वो सब लोगों का खाना हो जाएगा, तो उसमें उनका हिस्सा होता है, तो उसको वो इज्जत से खाएंगे, मतलब वो उनकी आंखें नहीं झुकेंगी उस खाना खाते समय, उनको अपने परिवार का खाना खाते समय गर्व महसूस होगा। और सबका एक सा खाना होगा तो लोग कहते हैं पराठे ही क्यों लाएं, रोटी क्यों ना लाएं। दरअसल रोटी जो आती है वो सूख जाती है कई बार, और कोई रोटी को चिपड़ी हुई लेके आ सकता है, कोई बिना चिपड़ी लेके आ सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। पराठे में तो आप तेल लगाओ या घी लगाओ तो पराठा तो लगभग एक सा ही होता है, और पराठे सुबह से लेकर शाम तक ख़राब नहीं होते, क्योंकि सुबह से शाम तक उनका स्वाद नहीं बिगड़ता, ठंडे जरूर हो जाते हैं, इसलिए पराठे ज़्यादा ठीक हैं। और ये आदत इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने परिवर्तन करना है, आपने अपने बच्चों को बचाना है, आपने अगर समाज में जीतना है, अगर आपने जुड़कर जीतना है, तो अपने खर्चे आप मिनिमम कीजिए, कंट्रोल कीजिए, फालतू के खर्चे मत लगाइए। इसलिए हम जो जगह है वो भी फ्री की लेते हैं। कैसे फ्री की लेते हैं? हमें कोई भी जगह दे दे जो हमारे समाज का है, समण समाज का है, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी पंथ का है, चाहे वो किसी भी मत का है, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का है, चाहे वो बुद्ध विहार का है, चाहे वो अम्बेडकर भवन है, चाहे कबीर भवन है, चाहे वाल्मीकि भवन है, चाहे रविदास भवन है, चाहे संत गाड़ी भवन है, चाहे वो कैसा भी भवन है, किसी भी संत का है, चाहे वो दुर्बलनाथ जी का है या संत श्रोमणि रविदास जी का, किसी का भी हो सकता है, या चौपाल है, या कोई मोहल्ला है, या पंचायत है, या किसी का बड़ा हॉल है, या पार्क है, या जंगल है, या खेत है। तो हमें फ्री का जगह चाहिए क्योंकि हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते, पैसा बचाना चाहते हैं। यूँ अगर कोई बड़ी मीटिंग है और वो हमें 5-स्टार होटल में करनी पड़ जाए और लोग अपना अपना पैसा दे सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना पैसा खर्च करके आप मीटिंग करें वो तो बहुत अच्छा होता है। जैसे डॉक्टर्स की जो मीटिंग है वो रिजॉर्ट्स में कर रहे हैं, जो 25 दिसंबर की है वो रिजॉर्ट्स में होगी, लखनऊ में होगी, उसमें उन्होंने फिक्स रखा हुआ है कि हर एक मेंबर को इतना पैसा देना है, तो अपना पैसा दे के आप बढ़िया रिजॉर्ट्स में 5-स्टार में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मीटिंग अगर छोटी होती हैं या 100 लोगों से कम होती हैं, या ऐसी मीटिंग होती हैं जो हर महीने होनी है, या 20 दिन में होनी है, या हर हफ्ते में होनी है, तो उसका पैटर्न फिक्स है कि आपको जगह फ्री की लेनी है और समण समाज के व्यक्ति की लेनी है, चाहे वो कैसा भी है। और आपने अपने पराठे अपने साथ रखने हैं अचार के साथ, और दो पराठे हमेशा एक्स्ट्रा रखने हैं। और अगर कहीं कुर्सी नहीं है तो आप अपने बिछाने के लिए अखबार या कोई दरी या कोई चटाई या कोई कागज़ या कोई पन्नी या कोई पोस्टर लेके जाएं या कोई बेडशीट लेके जाएं। और अगर कुर्सी मेज़ फ्री की मिलती है तो कुर्सी मेज़ पर बैठें। हमको दरअसल विचार देना है,
हमें बातचीत करनी है, हमें एक दूसरे के दुख और दर्द सुनने हैं और हमें परिवार की तरह जुड़ना है। हमें शान और शौकत दिखाकर किसी पे आतंकवाद नहीं फैलाना है कि देखो मेरे पास तो ऐसा खाना है, मेरे पास तो ऐसा कपड़ा है, मेरे पास तो ऐसी कुर्सी है, देखो मैं तो इतना खर्च कर सकता हूँ। अच्छी बात है, बाबा साहब ने आपको दिया है, बचा के रखिए, क्योंकि समय बड़ा मुश्किल आ रहा है। अगर आप कम खर्च की आदत नहीं डालेंगे और पैसे को नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी मुसीबत में आ जाएगी। और हमको सिर्फ जुड़ना ही तो है, पैसा अगर जोड़ता होता तो ये जो जितने भी लोग हैं दुनिया में, जो पैसे वाले लोग हैं, इनके तो सारे परिवार बिखरे पड़े हैं, तो इनके पास ज़्यादा पैसा तो जुड़ जाते ये लोग। तो पैसा किसी परिवार को या किसी समाज को जोड़ने की गारंटी नहीं है। बुद्ध जैसे व्यक्ति ने पैसा इकट्ठा नहीं किया, शान और शौकत इकट्ठी नहीं की, साधारण साधारण नियम बनाए, जंगल में जाते थे, जंगल साफ करते थे, उसको बिहार में बदलते थे, वहाँ लोगों को पढ़ाते थे, वहाँ क्लास लेते थे, और फिर वो लोग पढ़कर आगे बढ़ जाते थे, और फिर ऐसे जंगल में जाके बिहार बनते थे। इतने बिहार बनाए उस जगह का नाम ही बिहार पड़ गया। वही इसकी विदा पीपल ने जो दी हुई है नीति, वही नीति है कि कम से कम खर्चा और ज़्यादा से ज़्यादा काम, इसी नीति पे हमें चलना है, यही नीति हमें सक्सेसफुल लेके जाएगी। धन्यवाद।
बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध का धर्म देकर गए हैं कि अगर शोषण से मुक्ति चाहिए तो बुद्ध के धर्म में आओ, और अगर आपको शोषण से मुक्ति नहीं चाहिए तो आप जो है बने रहो, यह तय आपने करना है। हमने तो संकल्प कर लिया कि हम जो बने रहेंगे, और 2025 तक 10 करोड़ लोग पूरे देश और दुनिया में बहुत की धूम ने बुद्ध के धर्म में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आने का संकल्प ले चुके हैं। अभी आपको शायद लग रहा होगा बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है। उस 135 करोड़ में 115 करोड़ स्वयं समाज के हैं, और इस 115 करोड़ में से 10 करोड़ जो है वो लगभग 8.5% बढ़ता है, यानी 10% की भी घर वापसी की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि ये 10 करोड़ बहुत आसान